अमूमन तौर पे ऐसा बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है कि कोई गेम को लेकर लोगों में इतनी उत्साह हो, और होंगे भी क्यों ना। एक बढ़िया गेम बनने के लिए जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स की दरकार होती है, लगभग वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है बल्डर्स गेट सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट में। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी टेलिंग हो या कॉम्बैट, विजुअल्स हो या गेम प्रोग्रेशन, लॉरेन स्टूडियोज द्वारा निर्मित और पब्लिश बल्डर्स गेट 3 आपको एक बढ़िया गेम प्ले जर्नी तो जरूर एक्सपीरियंस करवाएगा। सन 1998 में बल्डर्स गेट सीरीज की शुरुआत हुई बल्डर्स गेट 1 से, जिसको डेवलप किया था बायोवेयर नामक एक गेम डेवलपिंग कंपनी ने। पहली गेम की ग्रैंड सक्सेस के चलते डेवलपर बायोवेयर ने 2 साल बाद सन 2000 में रिलीज कर दिया बल्डर्स गेट सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट बल्डर्स गेट 2 को, और फिर अगले ही साल बल्डर्स गेट 3 के ऊपर काम चालू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैश क्रंचेस के चलते वो प्रोजेक्ट कभी बन ही नहीं पाया। खैर वो एक दौर था, और आज का एक अलग दौर है जहाँ पे 20 साल बाद लॉरेन स्टूडियोज ने जो गेम बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है उसके साथ 2003 वर्जन ऑफ बल्डर्स गेट 3 का कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या बल्डर्स गेट 1 और 2 के साथ ये थर्ड इंस्टॉलमेंट लिंक नहीं है? वेल, है कुछ हद तक। ये बल्डर्स गेट 3 बल्डर्स गेट 2 प्लॉट के 100 साल बाद की कहानी बयां करती है। 1996 में बनी बेल्जियम डेवलपिंग कंपनी लॉरेन स्टूडियोज इससे पहले भी कई सारे गेम टाइटल को प्रस्तुत किया है जो कि क्रिटिकली एक्लेम्ड है नेवरदलेस, जैसे कि डिविनिटी ओरिजिनल सिन, डिविनिटी ओरिजिनल सिन 2, ड्रैगन कमांडर, डिविनिटी 2, बियॉन्ड डिविनिटी एंड मेनी मोर। वैसे डिविनिटी 4 इंजन में बना बल्डर्स गेट 3 में आपको डंजन्स और ड्रैगन्स रूल सेट का 5th एडिशन दिख जाएगा। ऑफ कोर्स इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, ये और कुछ नहीं है, ट्विक्स या मॉडिफिकेशन है डेवलपर्स के द्वारा। 2019 के E3 इवेंट के कुछ हफ्ते पहले ही लॉरेन स्टूडियोज द्वारा इस पर्टिकुलर गेम का जिक्र उठा, और फिर ये गेम सितंबर 2020 को रिलीज करने की बात छिड़ी, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट रीजन के तहत 1 महीने और डिले कर दिया और अक्टूबर 2020 में इस पर्टिकुलर गेम का अर्ली एक्सेस लोगों को मिलने लगा। जी हाँ, मतलब कि मेन गेम का यानी कि बेस गेम का सिर्फ 20% था, लगभग 25 घंटे का गेम प्ले की एक्सेस दी गई थी लोगों को, और फिर धीरे धीरे डेवलपर्स द्वारा पैचेस के माध्यम से कुछ और एडिशनल फीचर्स भी डाली गई इस गेम के ऊपर, लाइक कैरेक्टर क्लासेस, मल्टीप्लेयर फंक्शनलिटी, स्पेल्स एंड मेनी मोर। ये गेम वैसे तो विंडोज और गूगल स्टेडिया के ऊपर बनने वाला था, लेकिन जनवरी 2023 में गूगल स्टेडिया की बेमौत मरने के बाद डेवलपर्स ने इस पर्टिकुलर गेम को फिलहाल तो विंडोज में शिफ्ट कर दिया। वैसे प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स और मैक वाले नाराज ना हो, क्योंकि बहुत ही जल्द इस पर्टिकुलर गेम को पोर्ट करके वो प्लेटफॉर्म में भी लाया जाएगा। ये गेम शायद बहुत सारे प्लेयर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन थोड़ा सा अगर इस गेम को समय दोगे तो बल्डर्स गेट 3 आपका फेवरेट गेम भी बन सकता है दोस्तों। हालांकि दिस गेम इज ह्यूमंगस, बहुत ही बड़ा मैप है इस गेम का और बहुत ही ज्यादा घंटे लग जाएंगे आपको इसको खत्म करने में। और इस रिव्यू में हम लोग थोड़ा सा गेम के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी कैरेक्टर्स, इक्विपमेंट्स, वर्ल्ड प्ले, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, और फिर आपके लिए गेम प्ले को एनालाइज करेंगे और इन गेम एक्सपीरियंस को भी बयां करेंगे कि कैसा लगा मुझे इस पर्टिकुलर गेम को खेलते हुए। एंड दिस विल बी अ हेल ऑफ अ राइड, इजंट इट? सो आर यू रेडी? लेट्स डू इट। गेम के शुरुआत में ही आपको डिफिकल्टी को सेट करना पड़ेगा। बल्डर्स गेट 3 आपको 3 डिफिकल्टी मोड ऑफर करते हैं, जैसे कि बैलेंस मोड, एक्सप्लोरर मोड और टैक्टिशियन मोड। ऑब्वियस ही बात है कि एक्सप्लोरर मोड सबसे आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी टेलिंग को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, सिनेमेटिक्स व्यू पॉइंट आपको मिलेगा, इजियर एनिमीज आपको मिलेंगे, और एनपीसीज को मारना एनिमीज के लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। इसके अलावा भी जो ट्रेड आप करोगे, इन गेम ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो 20% डिस्काउंट तो आपको ऐसे ही मिलता चलेगा, और भी कुछ ना कुछ बोनस आपको मिलता ही चलेगा। यहाँ पे ही अगर बात करें हम लोग बैलेंस मोड की, तो नाम से ही आप पता कर सकते हो कि स्टोरी टेलिंग और गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया गया है, और आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसी मोड पे आपको शुरुआत करनी चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू थ्राइव इन दिस पर्टिकुलर गेम। वैसे अर्ली एक्सेस जो वर्जन रिलीज किया गया था डेवलपर्स के द्वारा वो सिर्फ बैलेंस मोड के ऊपर ही बेस्ड था। वैसे टैक्टिशियन मोड भी है, गेम यहाँ पे और भी हार्ड होता चलेगा, क्योंकि एनिमीज को मारना आपके लिए कठिन होता चलेगा, एनिमीज आपको बहुत ही आसानी से टारगेट कर पाएंगे, बिकॉज यू विल गेट वीकर इन फ्रंट ऑफ एनिमीज इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आप अपने हिसाब से, अपने प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंगली इस गेम मोड को चूज कर सकते हो। वैसे कैरेक्टर क्रिएशन की अगर बात करें तो बल्डर्स गेट 3 में ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके लिए कुछ प्री ओरिजिनेटेड कैरेक्टर्स होंगे जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी होंगे, हम लोग आगे बात करेंगे। और आप चाहो तो अपना कैरेक्टर भी सेट कर सकते हो, अपीयरेंस, लुक्स के ऊपर आप थोड़ी बहुत ट्विक कर सकते
सकते हो और बहुत सारे एबिलिटीज भी ऐड कर सकते हो लाइक क्लासेस रेसेस एंड इसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए कॉम्पेनियंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कॉम्पेनियंस यानी कि आपके दोस्त जो कि आपको मदद करेगा आपके जर्नी में, जहां पे भी बैटल होगा तो आप उनको अपने दल में शामिल कर सकते हो। गेम में टोटल 10 कंपेनियंस आपको मिल जाएंगे। ये आप कह सकते हो एक स्पेशल एनपीसी होंगे जिसको आप रिक्रूट करोगे आपके मदद के लिए। और इन कंपेनियंस का अपना स्टैटिस्टिक होगा, अपना एबिलिटीज होगा, अपने अपने इक्विपमेंट होंगे जो कि इन 10 कंपेनियंस को एक दूसरे से काफी हद तक अलग रखेंगे। हायरलिंग्स की अगर बात करें इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इनको भी आप हायर कर सकते हो गेम में। हालांकि कंपेनियंस से थोड़ा सा कम दर्जे का होगा ये, लेकिन फिर भी इनके भी अलग बैक स्टोरीज होंगे, इनके भी अलग अलग नाम होगा, अपेयरेंस होगा और रेसेस भी अलग अलग होगी। टोटल हायरलिंग्स की अगर बात करूं तो गेम में आपका 12 क्लास दी गई है, तो 12 हायरलिंग्स आप इस पर्टिकुलर गेम में रिक्रूट कर सकते हो, एक एक क्लास के ऊपर एक एक हायरलिंग्स। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ऑरिजिन के ऊपर। बल्डर्स गेट 3 में आपको कुछ प्रीमेड कैरेक्टर्स दी गई है, 7 प्रीमेड कैरेक्टर्स है जिसको आप लगभग कस्टमाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक कैरेक्टर को छोड़ हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसे ये 7 कैरेक्टर है एस्ट्रियन, लेजल, गेल, शैडोहर्ट, विल, करलैच, द डार्क आर्च। तो ये जो लास्ट कैरेक्टर है द डार्क आर्च, इसको आप थोड़ी बहुत कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेसेस। देखिए बर्डलेस गेट 3 गेम में आपको 11 रेसेस मिलेंगे कुल मिलाकर और 31 सब रेसेस मिलेंगे टू चूज फ्रॉम, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना अपना रेस, जैसे कि ड्रैगन बॉर्न, ड्रो, डॉर्फ, एल्फ, जीनोम, हाफ एल्फ, हाफ ऑर्क, हाफ लिम्फ, ह्यूमन एंड मेनी मोर। सब रेसेस भी कई सारे होंगे तो मैं लिस्ट कर दूंगा, आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। क्लासेस की अगर बात करें तो बहुत जरूरी है, क्लासेस आपको टोटल कुल मिलाकर यहां पे 12 मिलेंगे। रिमेंबर मैंने कहा था हायरलिंग्स के बारे में, हर एक क्लास के ऊपर हर एक हायरलिंग्स आपको मिलता जाएगा, तो 12 हायरलिंग्स टोटल होंगे और यहां पे 12 क्लासेस है। देखिए ये नंबर ना बहुत ही जरूरी है आपको जानना, इसीलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, इंटीमिडेटिंग लग सकता है ये पर्टिकुलर गेम, बट लेट मी टेल यू दिस गेम इज फिनोमिनम। क्लासेस ये डिफाइन करता है कि आपका प्ले स्टाइल क्या होगा, जैसे कि बर्बरियन क्लास होगा, बर्ड क्लास होगा, स्लेरिक, ड्रूड, फाइटर, मॉन्क, पलादिन, रेंजर, रोग, वारलॉक, विजर्ड वगैरह। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जो भी क्लास आपको अच्छा लगे वो आप चूज करना। यहाँ पे मैं कह दूं कि आप ये दिए गए ऑप्शन में से किसी को भी चूज करो, आपको कोई ऐसा एडवांटेज नहीं मिल जाएगा। हर एक क्लास एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफर नहीं करता, ठीक है। आप अगर सही से गेम को खेलोगे, सही से क्राफ्टिंग मैकेनिज्म को अप्लाई करोगे, तो इससे आप कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम में प्रोग्रेस कर सकते हो। सब क्लासेस की अगर बात करें तो सब क्लासेस ये डिफाइन करता है कि आपके कैरेक्टर के एबिलिटी क्या होंगे, एप्टीट्यूड क्या होंगे और वो अपने आप को आगे जाके कैसे डेवलप करेगा। तो टोटल 46 सब क्लासेस है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इसको पॉज करके जरूर देख लेना। स्किल्स की अगर बात करें तो आपके कैरेक्टर कुछ सर्टेन टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करता है ये डिपेंड करता है उनके स्किल्स के ऊपर। देखिए स्किल्स आर यूजुअली categorized into two groups, active and passive. तो यहाँ पे total 18 skills आपको in game मिल जाएगा, जैसे कि arcana, history, religion, investigation, athletics, nature, acrobatic, stealth, animal handling, insight, medicine, deception, perception, persuasion, survival, intimidation, performance and etc. आप पढ़ सकते हो स्क्रीन को पॉज करके। एबिलिटीज की अगर बात करें तो टोटल 6 एबिलिटी आपको मिलेंगे, स्ट्रेंथ, डेक्सटरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटेलिजेंस, विजडम, करिश्मा। वैसे गेम में टोटल 12 लेवल होंगे और हर 4 लेवल को जब आप अचीव कर लोगे तो आप 2-2 एबिलिटी करके आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है 4th लेवल पे आपको 2 एबिलिटी मिलेंगे, 8th लेवल पे आपको 4 एबिलिटी मिलेंगे, ऐसे ही टोटल जब 12 लेवल अचीव कर लोगे तो सारे के सारे एबिलिटी को भी आप अचीव कर लोगे। बैकग्राउंड्स की अगर बात करें तो बैकग्राउंड्स ये डिफाइन करता है कि बाकी जो आपके एनपीसीज होंगे, लोग होंगे, वो आपको कैसे परसीव करेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में, कैसे वो आपको ग्रास्प करेंगे, बहुत ही हद तक मैटर करता है आपके बैकग्राउंड के ऊपर। तो टोटल यहां पे 12 बैकग्राउंड है, क्रिमिनल, एंटरटेनर, फोक हीरो, गिल्ड आर्टिस्टन, नोबल, हर्मिट, आउटलैंडर, सेज, सोल्जर एंड मेनी मोर। फिट्स की अगर बात करें तो बर्डलेस गेट 3 गेम में स्पेशल टैलेंट्स आपको दी गई है और ये स्पेशल टैलेंट्स यानी कि स्पेशल कैपेबिलिटीज आपके कैरेक्टर में होंगे और जिसके मदद से आप काफी कुछ नया चीज अचीव कर पाओगे, बहुत कुछ नए चीज कर पाओगे। तो टोटल 37 फिट्स आपको इस पर्टिकुलर गेम में दिख जाएंगे, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा तो आप आराम से देख लीजिएगा। एक्शंस की अगर बात करें तो बर्डलेस गेट 3 में आपको टोटल बहुत सारे एक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मैं
नंबर के हिसाब से बात करूं तो 133 टोटल एक्शंस है। अब कैसे आप उस एक्शन को परफॉर्म करोगे ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आपके प्ले स्टाइल के ऊपर। अब ट्रेड्स एंड फीचर की अगर बात करें तो ट्रेड्स एंड फीचर इन बिल्डर्स गेट 3 रिफर्स टू द यूनिक एक्शन एंड एट्रीब्यूट्स दैट अ कैरेक्टर कैन परफॉर्म एंड ऑप्टेन डिपेंडिंग ऑन देयर क्लास एंड रेस और सब रेस। 240 से भी ज्यादा ट्रेड्स और फीचर आपको पूरे गेम में मिल जाएंगे, तो आई होप आप गेम को एंजॉय जरूर करोगे। इलिटेड पावर्स के ऊपर बात करें तो ये पावर्स देखिए बहुत ही जरूरी है आपको यूज करना, और इस पावर को डेवलप भी आप बाद में जाके कर सकते हो। वैसे कुछ कुछ इलिटेड पावर्स जो है वो अलग अलग क्लासेस के लिए डिफाइन की गई है, और कुल मिला के गेम में आपको 25 इलिटेड पावर्स मिल जाएंगे। बिल्डर्स गेट 3 गेम का कॉम्बैट सिस्टम की अगर बात करूं तो बहुत ही रोबस्ट और डायनामिक है दोस्तों इन नेचर। हाँ, टर्न बेस्ड कॉम्बैट मैकेनिज्म तो आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, और कॉम्बैट्स का लुप भी आप बहुत ही आराम से उठाओगे, क्योंकि इस गेम में आपको बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा कॉम्बैट के नाम पे। जैसे कि आप स्पेल कास्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप अच्छे खासे बॉडी आर्मर्स को जब अनलॉक कर लोगे तो आप खुद को डिफेंड कर पाओगे पोटेंशियल अटैक से। थ्रू आउट द गेम आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, उनके लिए उनके क्वेस्ट करोगे, तो तमाम सारे कॉम्बैट जो है आपको एवरी मिनट मिलता ही रहेगा। और कॉम्बैट करने के दौरान आप बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हो। गेम आपको आपके प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है, सो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इस पर्टिकुलर बिल्डर्स गेट 3 गेम में। इसके अलावा आपके कॉम्बैट्स में मदद करने के लिए आप पार्टी मेंबर्स को हायर कर सकते हो, और ये पार्टी मेंबर्स की एबिलिटीज़ और स्टाइल्स अलग अलग होंगे, लाजमी सी बात है। कॉम्पेनियंस को आप हायर कर सकते हो, हायरलिंग्स को हायर कर सकते हो। दीज पार्टी मेंबर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द प्लेयर, अगर आप चाहो तो इनको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन के साथ, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ जब आप कॉम्बैट को एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और चैलेंजिंग एक डायनामिक सा माहौल पैदा होगा, और आपको इंगेज करके रखेगा गेम के साथ विदाउट अ डाउट। भले ही आप आमने सामने कॉम्बैट कर रहे हो, मतलब कि क्लोज बैटल लड़ रहे हो, या तो फिर रेंज अटैक कर रहे हो, स्पेल कास्टिंग का गेम खेल रहे हो, तो आपका जो भी प्ले स्टाइल है आप उसको आराम से खेल सकते हो इस पर्टिकुलर गेम में, और आप प्रोग्रेस कर सकते हो बाय ओवरकमिंग द डायनेमिक चैलेंजेस द गेम थ्रोज यू। अब देखिए कॉम्बैट की जब बारी आती है तो बॉसेस भी कई सारे इस पर्टिकुलर गेम में आपको मिल जाएंगे। टोटल 13 बॉसेस इस गेम में मिलेंगे, जैसे कि ट्रू सोल गट, मिंथारा, ड्रोर, रैक्सलिन, कागा, बियर, आंटी इथल एंड मेनी मोर। वैसे ये बॉसेस जो होंगे ना, बॉसेस के जो हेल्थ होगा बहुत ही ज्यादा होगा हेल्थ बार में, और उनके पास यूनिक सेट्स ऑफ अटैक्स रहेगा, उनके बिहेवियर भी अलग होंगे, और उनके पास आपको चैलेंज करने के लिए बहुत सारा कुछ चीज होगा। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हो तो ऐसे में आप बॉसेस को क्लियर नहीं कर पाओगे, बॉसेस को क्लियर नहीं कर पाओगे तो गेम में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इवन बहुत सारे जगह को आप कल्टिवेट करना चाहते हो तो कुछ कुछ जगह पे बॉसेस है, छोटे मोटे बॉसेस को भी आपको परास करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अनलॉक न्यू एरियाज। वैसे स्पेल कास्टिंग भी आप कर सकते हो, जबरदस्त बात है नहीं? तो स्पेल कास्टिंग की अगर बात करें तो इस गेम में 200 से भी ज्यादा स्पेल कास्ट आप कर सकते हो, दिस इज क्वाइट यूनिक। वैसे कॉम्बैट के दौरान अपने आप को डिफेंड करना भी एक आर्ट होता है, तो इसका मदद आपको करेगा आर्मोर। ये आर्मोर आपको एक शील्ड प्रोवाइड करेगा जो दूसरे एनिमीज होते हैं उनके अटैक से बचने के लिए। वैसे आप अगर क्वेस्ट को कंप्लीट करोगे तो आपको आर्मोर्स मिल सकता है, या तो फिर आप मर्चेंट से भी जाके परचेस कर सकते हो, और ऐसे भी आर्मोर्स होंगे जो आपको कई कई सारे लोकेशंस होंगे वहां से लूट करके भी आप प्राप्त कर सकते हो। वैसे इस गेम में आपको 100 से भी ज्यादा आर्मोर दिख जाएंगे, और बेसिकली आप इस आर्मोर्स को 11 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हो। ऑल आर्मर, क्लोथिंग, लाइट आर्मर, मीडियम आर्मर, हेवी आर्मर, शील्ड्स, हेलमेट्स, बूट्स, क्लोक, ग्लव्स, बेल्ट्स। बिल्डर्स गेट 3 गेम में वेपन्स की अगर बात करें तो वेपन्स आपको बेशुमार मिलेंगे, और बहुत वैरायटीज के मिली वेपन मिलेंगे, लगभग हर कैटेगरी के मिली वेपन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जितने भी तरीके के एनिमीज या बॉसेस से आपको लड़ना पड़ेगा तो उस हिसाब से वेपन्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। वैसे बैटल एक्सेस, क्लब्स, स्पीयर्स, डैगर्स, क्रॉसबोस, लॉन्गबोस, पाइक्स एंड मेनी मोर कैटेगरीज के वेपन्स आपको मिल जाएंगे। वैसे 100 से भी ज्यादा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेपनरीज आपको इस गेम में दिए गए हैं। वैसे वेपन्स को आप वेरियस लोकेशन से भी लूट कर सकते हो, या तो फिर मर्चेंट से खरीद भी सकते हो, या तो फिर क्वेस्ट कंप्लीट करके ऑप्टेन भी कर सकते हो, तो वो आपके प्ले स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेसरीज की अगर बात करें तो बहुत सारे पेंडेंट्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, एमुलेट्स वगैरह आपको मिलता चलेगा। 30 से भी ज्यादा कॉमन और अनकॉमन टाइप्स के नेकलेस, पेंडेंट्स वगैरह आपको इस गेम में
मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे बल्डर्स गेट 3 गेम की क्राफ्टिंग के बारे में। वैसे क्राफ्टिंग हर एक गेम का हार्ट होता है और बल्डर्स गेट 3 गेम भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्राफ्टिंग मैकेनिक को काम में लाते हुए आप बहुत कुछ नया कर सकते हो। यू कैन क्राफ्ट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर गेम, चाहे वो पोशन हो, ग्रेनेड हो, सॉल्ट, एशेस, वेपन्स, आर्मर, सस्पेंशन एंड मेनी मोर। आप जो कुछ भी चाहो इस गेम में लगभग हर एक चीज को क्राफ्ट कर सकते हो, बस आपको गेम में थोड़ा समय देना पड़ेगा। बल्डर्स गेट 3 गेम में आपको एक मॉडर्न डे आरपीजी के सारे सेटिंग्स मिलेंगे दोस्तों। दिस रोल प्लेइंग वीडियो गेम सेट इन द फॉरगॉटन रियल्म्स ऑफ डंजंस एंड ड्रैगन्स कैंपेन सेटिंग। एब्डक्शन, इन्फेक्शन, लॉस्ट मेंटेलिटी आपको एक मॉन्स्टर में तब्दील कर रहा है और उस मॉन्स्टर के अंदर करप्शन भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ पावर का भी वो भूखा है। ये पावर ही है दोस्तों जो आपको सर्वाइवल करवाएगा और इस पावर को पाने के लिए आपको बहुत सारे कुछ चीज गंवाना भी पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। बड़े बड़े डेविल्स डायटी सिनिस्टर फोर्सेस के साथ लड़ते हुए इस दुनिया की भाग्य को आप निर्धारण करने वाले हो। इस झूठी दुनिया में आपका खुद की पार्टी ही एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो और जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग भी बहुत तगड़ी होने की जरूरत है, और यही आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ होगा इन दिस गेम। नेवर्थलेस गेम को एक्सप्लोर करते हुए बहुत कुछ सीक्रेट्स खुल जाएगा आपके सामने और तमाम सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आप कर सकते हो। आपके पास लेने के लिए वैसे काफी चॉइसेस रहेंगी, लेकिन बाकायदा आपके लिए गए चॉइसेस के ऊपर भी बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करता है, तो सोच समझ के लीजिएगा जो भी फैसला आप कर रहे हो। आपकी लेगेसी को डिफाइन करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो कई सारे एनपीसी के साथ आपका रिलेशन होगा, और बढ़िया बात यह है कि आप जो समय इन्वेस्ट करोगे इस पर्टिकुलर गेम में उसके बदले आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो इस फिक्शनल वर्ल्ड पे आप बहुत ही ढंग के साथ एक्सप्लोर करना, आपको बहुत कुछ नया चीज मिल सकता है। इस गेम को खेलने के दौरान जो डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ेगी उसके चलते गेम की रिप्लेबिलिटी और भी बढ़ जाता है। ऊपर से इतने सारे कैरेक्टर्स, रेसेस, क्लासेस, तो लाजमी सी बात है दिस गेम इज हाईली कस्टमाइजेबल और आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा क्योंकि आप बार बार अलग अलग सेटिंग्स में जाके इस गेम का लुत्फ उठा सकते हो। चलिए थोड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग और गेम प्ले की बात कर लेते हैं। ये एक मैसिव गेम है नेवर्थलेस, और दोस्तों इस ह्यूमंगस इंटरेक्टिव वर्ल्ड मैप में आपको 3 एक्ट्स मिलेंगे, आप कह सकते हो 3 सेक्शन मिलेंगे जो एक से बढ़कर एक लार्ज एक्सप्लोरेबल एरियाज होंगे। मैं जानता हूं कि बाकी सीआरपीजी गेम्स में अमूमन तौर पे ऐसा नहीं होता, आप वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली ट्रैवल करते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर गेम में थोड़ा सा अलग चीज किया गया है क्योंकि लरिन स्टूडियोज अपने गेम में ऐसे ही मैकेनिज्म डालता है। कैसे मैकेनिज्म? जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो प्रीवियसली विजिटेड एरिया जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद, क्योंकि गेम आपको नोटिफाई करेगा प्रीवियस एरियाज को ब्लॉक करने से पहले। सबसे बढ़िया बात है कि इन एरियाज में जब भी आप जाओगे तो आपको तमाम सारे चीजें इधर उधर बिखरी पड़े हुए दिखेगी और आप चाहो तो चीजों को जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हो जब तक आप उस एरिया में हो, और जो भी चीज आप एक्सप्लोर करोगे कुछ ना कुछ आपको मिलता ही चलेगा। सो यू मे नेवर फील आउट ऑफ टच इन दिस पर्टिकुलर गेम। क्या बल्डर्स गेट 3 गेम में आपको फास्ट ट्रैवल मिलेगा? बेशक मिलेगा, आप स्क्रीन में दिए गए इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। क्या बल्डर्स गेट 3 के इस तीसरी इंस्टॉलमेंट को खेलने के लिए आपको पिछले वाले इंस्टॉलमेंट को खेलना जरूरी है लाइक बल्डर्स गेट 1 और 2? बेशक नहीं, क्योंकि वो ठहरा 2 decades पहले का कंटेंट, तो आप क्यों वाला उसको खेलने जाओगे। नॉर्मली गेमर जो है वो बल्डर्स गेट 3 को ही देख के शुरुआत करेगी एंड इट विल बी अ स्टैंडअलोन एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड लेट मी टेल यू इट इज अमेजिंग, यू विल लव इट। डिविनिटी इंजिन 4 के ऊपर बनी इस गेम का ग्राफिक्स टॉप क्लास की है दोस्तों। छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर भी बड़ा ध्यान दिया गया है, इवन कैरेक्टर्स की हेयर फिजिक्स की अगर बात करें, फेशियल पॉलीकाउंट की अगर बात करें, तो वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। इवन इंडोर और आउटडोर की जो लाइटिंग है उसके ऊपर भी खास काम की गई है डेवलपर्स के द्वारा। वैसे बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूंगा इस बल्डर्स गेट 3 गेम की ग्राफिक्स एनालिसिस वीडियो बनाने की। खैर साउंड डिजाइनिंग की अगर बात करें तो कई सारे सूदिंग साउंड ट्रैक आपको इस गेम में मिल जाएंगे जिसको कंपोज किया है बोरिस्लाव स्लवोव ने। वे इससे पहले भी लरिन स्टूडियोज के कई सारे गेम में साउंड डिजाइनिंग कर चुके हैं। बल्डर्स गेट 3 गेम को सिंगल प्लेयर मोड के साथ आप चाहो तो मल्टीप्लेयर कोऑप में भी एंजॉय कर सकते हो, ऑब्वियसली अप टू 4 प्लेयर्स। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये टाइटल ऑल इन ऑल जबरदस्त है, लेकिन आपको समय देना होगा इन ऑर्डर टू फेस द इनिशियल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गेम, और इस मैसिव गेम को कंप्लीट करने में आपको लगभग 80 से 120 घंटे तक लग जाएंगे। और ये लेजेंडरी टाइटल को आप वैसे अभी के लिए पीसी में एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन बहुत ही जल्द प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स और मैक ओएस पे भी इसका लुत्फ उठा सकोगे। वैसे पीसी में खेलने के लिए यही दिए गए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों क्या आप एक्साइटेड हो बल्डर्स गेट 3 की इस अमेजिंग जर्नी को शुरुआत करने में, या तो फिर आप ऑलरेडी इस गेम को खेल रहे
रहे हो, क्या है आपका स्टेटस, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए और इस शानदार रिव्यू को अपने गेमर्स बडीज के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम था सिद्धार्थ, हैप्पी गेमिंग दोस्तों।